कराची का रुख करते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, काबीना ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स मंजूर कर लिए हैं। रेंजर्स की कराची में तायुनाती मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी दी गई है। मोहम्मद अशद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अशद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और किस किस्म के इख्तियारात होंगे रेंजर्स के पास? जी बिल्कुल, देखें वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका अफसरान शामिल हैं। सिंध काबीना ने रेंजर्स की कराची में तैनाती मुद्दत में 180 दिन का इजाफा मंजूर कर लिया है। अब रेंजर्स की कराची में तैनाती 13 जून 2024 से 9 दिसंबर 2024 तक है। रेंजर्स को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियार हासिल रहेंगे। सिंध काबीना ने कराची, हैदराबाद और जामशेरो डेवलपमेंट अथॉरिटीज को ग्रांट देने की भी मंजूरी दे दी है। काबीना ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ओवरसीज कमेटी की जगह गवर्निंग बॉडी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सुबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन ने काबीना को प्रीमियम प्लेट नंबर प्लेट जारी करने का भी जो है वो प्रपोजल दिया था। बहुत शुक्रिया अशद आपका।